ये बड़ी खबर यूपी से इस वक्त की सामने आ रही है, जहां सातवें चरण की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत का आंकड़ा आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां लगातार सुबह से मतदान हो रहा है। वहीं वाराणसी की बात करें तो दोपहर 1 बजे तक 39.25% मतदान अब तक हो चुका है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बांसगांव में दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है, 37.74% मतदान अब तक होता हुआ नजर आया है। घोसी में दोपहर 1 बजे तक 38.30% मतदान हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराजगंज में दोपहर 1 बजे तक 42.29% मतदान हो चुका है। ये यूपी के आंकड़े आपके सामने हैं। कुशीनगर में दोपहर 1 बजे तक 40.22% मतदान होता हुआ नजर आया है। वहीं अगर सलेमपुर की बात कर ले तो दोपहर 1 बजे तक 37.49% मतदान अब तक हो चुका है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बलिया में दोपहर 1 बजे तक 38.04% मतदान होता हुआ नजर आया है। ये आंकड़े आपको बता रहे हैं यूपी से, जहां चंदौली में दोपहर 1 बजे तक 42.17% वोटिंग अब तक होती हुई नजर आई है। यूपी में सातवें चरण की 13 लोकसभा सीटों पर आज सुबह से मतदान चल रहा है। बता दें कि इन 13 लोकसभा सीटों के लिए दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा सामने आ गया है। 39.31% वोटिंग अब तक यूपी में आज होती हुई नजर आई है। गोरखपुर में दोपहर 1 बजे तक 37.39% मतदान हो चुका है। वहीं अगर बात कर ले गाजीपुर की तो दोपहर 1 बजे तक 38.75% मतदान होता हुआ नजर आया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज में दोपहर 1 बजे तक 38.44% वोटिंग हो चुकी है। यह अहम जानकारी सामने आ रही है। देवरिया में दोपहर 1 बजे तक 39.44% मतदान होता हुआ नजर आया है। वहीं मिर्जापुर की अगर बात कर ले तो 1 बजे तक 41.55% मतदान हो चुका है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 1 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत का आंकड़ा आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बता दें कि यूपी में आज अंतिम चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और 1 बजे तक 39.31% वोटिंग होती हुई भी नजर आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में सुबह से ही मतदान के लिए लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा सामने आ चुका है, जो आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं।